गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो एल्बम का है। किसकी एल्बम? करण ओजला और डिवाइन की जो एल्बम है उनके हम एक गाने पे रिएक्शन देंगे, स्ट्रेट बर्लिन पर। और जैसे कि मैंने बर्लिन जो कि करण ओजला का जो गाना जो है लीक हुआ था उस पर रिएक्शन दिया था, और बाद में मुझे पता लगा, बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि जैसे 100 मिलियन जो ट्रैक था जिसमें मैंने रिएक्शन दिया था और वो भी इसी एल्बम का ट्रैक है, सो मुझे ऐसा लगा कि बर्लिन जो कि ट्रैक है कि वो जो है इस एल्बम का ही है और मुझे इस पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने उस पर रिएक्शन दिया था। सो बाद में मुझे पता लगा वो गाना जो है वो जो है करण ओजला का था, सिर्फ उसमें करण ओजला ने अपने वर्स ड्रॉप किए हैं। और इस गाने में जो है स्ट्रेट बर्लिन में इस गाने में जो है डिवाइन भी उनके साथ है। तो गाने को चेकआउट करते हैं और देखते हैं इस गाने के अंदर क्या कुछ है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सो जैसे कि मैं रात को 1:30 बजे रिएक्शन दे रही हूँ और इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं डॉगीज की। सो कभी कभी होता है कि मैं जब भी कुछ काम करती हूँ ना तो इस तरह की आवाज़ें ज़रूर आती हैं, और रात को जो है ऑब्वियसली इनका जायज है भौंकना। सो मैं वेट कर रही हूँ ये आवाज जो है कब शांत हो और कब मैं इस गाने को सुनूं। I have a lot of respect for sacrifices that went along with standing here today. We're not on this stage just because of talent or ability. We're up here because we had a dream and let nothing stand in our way. If anything tried to bring us down, we used it to make us strong. Yeah, proof. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕਦਾ ਨੀ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਾਓ ਫੋਨ, ਕੁੜੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੋਨ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅਲੋਨ, ਦੇਖ ਲਾਏ ਪਿਆ ਰੋਂਦੇ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕਦਾ ਨੀ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਾਓ ਫੋਨ, ਕੁੜੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੋਨ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅਲੋਨ, ਦੇਖ ਲਾਏ ਪਿਆ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਬਾ ਡੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੈਸ਼, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਐਸ਼ ਉੱਤੇ ਐਸ਼, ਦੱਸ ਮੰਗਦੀ ਸਟੈ ਕਿਆ ਸਟੈਸ਼, ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਫਰਮੈਸ਼, ਮੈਂ ਕਿਆ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਡ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊ ਮੈਂ ਘਰੇ ਡੋਰ ਦਾ, ਅੱਖ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਔਜਲੇ ਦੀ ਲੋਰ, ਕੁੜੇ ਆ ਲੈ ਰੱਖ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਕੋਲ, ਥਾਟੀ ਬੋਰ ਦੱਸ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕਦਾ ਨੀ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਾਓ ਫੋਨ, ਕੁੜੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੋਨ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅਲੋਨ, ਦੇਖ ਲਾਏ ਪਿਆ ਰੋਂਦੇ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕਦਾ ਨੀ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਾਓ, अपने पास कले जाए जिंदगी रफ, बोले हम तो बस चले जाए, अब ऐसा कीमती है मिला तो जमीन लिए, पुराने हम पिक्चर में लड़कों को हम सीन दिए, रुपया और एक ड्रीम भी है, सांपों के लिए भीम भी है, मैं जितना हार्ड उतना हार्ड मेरा टीम भी है, स्ट्रेट बॉलिंग बॉलिंग मैं फ्लाई अलादीन, मैं फ्लाई मैं जॉर्डन, वी वॉक द टॉक टू बॉल, व्हाट्स द प्रॉब्लम, यू मेक इट रेन, वी जस्ट चेंज द मौसम, कदे देखीगा भला मंडीर पिछे नी, एक वीर मूरे ते हीर पिछे, किसी मूरे चुकनी नहीं है गोरिए नी, क्योंकि इस धरते जमीर पिछे, रब दिता बहुत शायद दे छेती मौत, मैनू किसी का नहीं खौफ, वैरी लबे रेड डॉट, करूं भी बाजार तेरा चलता फरार, कितने कम तेनू पै गया करा दू जट लूट सब सौ, स्ट्रेट बॉल मैनू कहती चकदा नी फोन, कॉल उन्हां दी ड्रीम कराओ कॉल, कुड़े मेरी अपनियां जोन, इत्थे आया मैं अलोन, देख लाए पया रोन, मैनू कहती चकदा नी फोन, जो भी बोलता ये करते, मेरा नाम नहीं साइमन, अगर शॉपिंग तो इटली, मुझे फुकना तो थाईलैंड, कितने बंदे यार रैट्स, इसलिए हम रखते पॉइजन, मेरी जिंदगी हाईवे तभी यू नो वी राइडिंग, विदाउट अ लाइसेंस रॉकेट गिरा दे, हमें लगता नहीं साइंस, यू नो वी ग्लाइडिंग, मैनू कहती चकदा नी फोन, उन्हां दे ड्रीम कराओ फोन, कुड़े मेरी अपनियां जोन, इत्थे आया मैं अलोन, देख लाए पया रोंदे फोन, मैनू कहती चकदा नी फोन, उन्हां दे ड्रीम कराओ फोन, कुड़े मेरी अपनियां जोन, इत्थे आया मैं अलोन, देख लाए पया रोंदे वी, करण मेरा भाई, डिवाइन तेरा भाई, लाइफ जितनी भी बड़ी टफ है उतना ही बड़ा जो है वो कलेजा है, और होना भी चाहिए क्योंकि खुद से मेहनत करी है, खुद से मेहनत करके जो कमाया है
और वो चीज़ यहाँ पर शो करी गई है। और जिस तरह से ये गाना जो है, यानी कि ओवरऑल इस गाने की बात करें भाई, काफ़ी ज़्यादा इस गाना जो है लाजवाब लगा, और काफ़ी ज़्यादा इस गाने के बीट्स और बीजू जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगे। मैं जितना हार्ड हूँ उतनी ही मेरी टीम भी। सो बेसिकली यहाँ पर डिवाइन का मतलब है कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतनी ही मेरी टीम भी मेहनत करती है। और जैसे कि इस गाने में उनके वर्स हमको जो कि सुनने को मिले वो तो काफ़ी अच्छे लगे ही। और बात करें इस पूरी एल्बम की, यानी कि जैसे कि इस गाने को इनकी चौथा गाना है मेरा, और जैसे कि बात करें इस एल्बम के जितने भी गानों को जैसे कि मैंने सुना है, सो मुझे उनके ये चारों ही गाने जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और बात करें करण ओजला की, तो उनकी क्या ही बात की जाए, फुल ऑन एटीट्यूड के साथ जो यहाँ पर वर्स लेकर आए हैं करण ओजला, सो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और साथ ही साथ अगर हम करण ओजला को सिंगली उनको अगर सुनेंगे, सो उनके हमें वर्स जो है बिल्कुल ही ऐसे फुल ऑन एक पंजाबी वाली, जो एक बोलते हैं ना प्योर पंजाबी, जो कि हमको सुनने को मिलती है उनसे। और कुछ कुछ वर्स जो उनके समझ में नहीं आते, पर जैसे कि वो कोलैब में डिवाइन के साथ आए हैं तो कम से कम उनके जो पंजाबी के जो वर्स है वो तो समझ में आ ही रहे हैं। और आप सबको पता ही है मुझे पंजाबी जो है और हरियाणवी जो है वो थोड़ी ही समझ में आती है, यानी कि इतनी आती है कि हाँ मेरा काम चल जाता है, पर एक बिल्कुल ही टफ वर्ड होते हैं ना वो मुझे इतने समझ नहीं आते। और बात करें यहाँ पर डिवाइन के वोकल की, और जिस तरह से वो अमेजिंग डिलीवरी लेकर आते हैं और जो वर्ड प्ले करते हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं। जैसे कि उन्होंने इस गाने में एक लाइन बोली थी कि मेरी आंख ऐसी लाल होती है जैसे पुलिस का जो साइरन लाल होता है उसकी तरह, तो इस तरह के जो वर्ड्स है हमें यहाँ पर डिवाइन से सुनने को मिले। और बोल सकते हैं कि डिवाइन जो है इस गाने के बॉस लगे, क्योंकि यह गाना जो है ज्यादातर डिवाइन के वर्स हमें इस गाने के अंदर सुनने को मिले। सो इसी वजह से मैंने बोला कि डिवाइन जो है इस गाने के बॉस लगे मुझे। सो ओवरऑल गाने की बात करें तो जिस तरह से स्विचेस किए गए हैं, वोकल यूज की गई है और राइम्स वगैरह लेकर आए हैं, जो वर्स लेकर आए हैं वो बहुत ही ज्यादा कमाल के लगे। और साथ ही साथ इस गाने का बीट्स और म्यूजिक जो था वो काफी ज्यादा कमाल का लगा। और अगर आप इन गानों को जो है गाड़ियों में चलाओगे ना, जैसे टूर वगैरह पे जाते हैं, तो ये पूरे एल्बम यानी कि जितने भी मैंने इनके गाने सुने हैं सो ऐसे हैं कि आपको मजा आने वाला है। सो एक तरह से ये गाना जो था वो बैंगर ट्रैक लगा मुझे। सो मुझे तो ये काफी मजा आया इस गाने को सुनकर, और आप बताइए आपको कितना मजा आया मेरे साथ इस गाने को सुनकर। और ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर।